आज सावन माह की पुत्रदा एकादशी है। इसे पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जो भी दंपति इस व्रत को पूरे विधि विधान और भक्ति भाव के साथ करता है उसे संतान सुख अवश्य मिलता है। ये व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। ये व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जी हां, बता दें आपको कि व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। बिना व्रत कथा सुने ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। चलिए बताते हैं आपको कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। बता दें आपको कि श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महीजित बड़ा ही शांति और धर्म प्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वो एक जलाशय पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से वो अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप की वजह से अब तक संतान विहीन है। महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी लेकिन उस पाप की वजह से अब तक संतान विहीन है बता दें आपको कि महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभ चिंतक महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभ चिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो उन्हें निश्चय ही सफलता। महामुनि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी यह व्रत रखा। कुछ माह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि की बात की जाए तो बता दें आपको कि आज के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी फल और तिल से भगवान की पूजा करें। ये व्रत निराहार करना चाहिए। शाम में पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट फ्राइडे स्पेशल रिपोर्ट।